बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड टुडे वी डिस्कस टू शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम ये शो करेंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सवाल क्या है, शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is a simple harmonic motion, simple pendulum. Or show that motion of simple pendulum is a simple harmonic motion. So how we define simple pendulum? Simple pendulum ka kya definition hai? Beta, sabse pehle सिंपल पेंडुलम का डिफिनीशन लिखे, इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये एक सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, और यहां पर स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन इलास्टिक स्ट्रिंग, इन इलास्टिक स्ट्रिंग जहां पर लचक ना हो, और इसके साथ एक स्पिरिकल ऑब्जेक्ट अटैच्ड कर ले। दिस स्पिरिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉब एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिक्स सपोर्ट। अगर एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो, अगर एक स्पिरिकल ऑब्जेक्ट हो और उसको हम एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर ले और स्ट्रिंग को सपोर्ट कर ले एक फिक्स सपोर्ट के साथ, देन इट कंस्टिट्यूट, देन इट मेक अ सिंपल पेंडुलम। व्हेन वी हैव अ स्मॉल स्पिरिकल ऑब्जेक्ट एंड वी अटैच दिस ऑब्जेक्ट विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, देन दिस कंस्टिट्यूट अ सिंपल पेंडुलम। कैसे डिफाइन करेंगे, विन अ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड बॉब, विच इज कॉल्ड बॉब, attached with an inner extensible string, then it constitute, it make a simple pendulum. बेटा यहां देखिए, यहां पर दो फोर्सेस है, एक अपवर्ड फोर्स है, दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, और एक वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बोथ कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल पेंडुलम। अब ये एक्सप्लेन करेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वो कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है विच प्रोड्यूस द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सप्लेनेशन, यहां पर फोर्स अप्लाई कर ले और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर ले एक और पोजीशन तक,
सपोज दिस इज कॉल्ड पोजिशन ए, इसको डिस्प्लेस कर ले बिरूनी फोर्स अप्लाई करके, इसको पोजिशन ओ से पोजिशन ए तक डिस्प्लेस कर ले। लेकिन पोजिशन ए पर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंग, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंग। लेकिन पोजिशन ए पर आपके पास टोटल ये फोर्सेस है, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड, वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड, एफ एक्सटर्नल। ये पॉइंट नोट कर ले, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉलर, थीटा इज अ वेरी वेरी स्मॉलर, कम से कम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कर ले। अब यहां पर इस वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर ले, तो वेट्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये इस वेट का एक कंपोनेंट है, ड्रॉ कर ले वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर ले। ये एंगल थीटा है और ये इसका एक कंपोनेंट है और ये इसका दूसरा कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जो एडजेसेंट विद एंगल थीटा है, दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू कॉस थीटा कंपोनेंट। वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ एडजेसेंट हो, दैट इज कॉल्ड द कॉस थीटा कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट जो इन फ्रंट ऑफ थीटा हो, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा कंपोनेंट। तो अगर हम ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर ले, देन फ्रॉम द फ्री डायग्राम, ये इसका फ्री डायग्राम है, फिगर है, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड एंड डब्ल्यू, कॉस थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड, बोथ कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो वी हैव ओनली वन फोर्स, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। टेंशन एन डब्ल्यू कॉस थीटा बैलेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो यहां पर एक ही फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर ले, तो फोर्स का वेट का एक कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा है, सो डब्ल्यू साइन थीटा प्रोड्यूस द नीडेड नेट फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट ऑसिलेट फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए। तो ये ऑसिलेशन किस फोर्स की वजह से है? हाँ, ये ऑसिलेशन वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर ले, और वेट का जो डब्ल्यू साइन थीटा कंपोनेंट है, इसकी वजह से है। सो द इफेक्टिव कंपोनेंट इज कॉल्ड डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड द restoring force. So due to the restoring force, object oscillate from A to B and then from B to A. तो ये explanation में लिख के, if external force apply on bob, then bob displays from position O up to position A. अब इसको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, W cos of theta एंड W sin of theta। एट पोजिशन ए देर आर टू फोर्सेस, दैट इज टेंशन एक्टिंग अपवर्ड एंड वेट एक्टिंग डाउनवर्ड।
So resolve weight into component. Resolve weight into components. That is W cos theta and W sin theta, two components. W cos of theta and W sin of theta. From figure, W cos theta is balanced by tension force. So there is no vibratory motion along tension or along W cos theta. Pendulum ka vibration is tarah nahi hai. Pendulum ka vibration ek component ki wajah se hai aur wo W sin theta component hai. And the W sin theta component, W sin theta component, which produce the restoring force. Actually, this is the restoring force. So, restoring force is equal to W sin of theta. और इसका डायरेक्शन कहाँ है? ये टूवर्ड द सेंटर है. सो अ नेगेटिव साइन मस्ट बी यूज, माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा. वैल्यूज पुट कर ले. रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज कॉल्ड एम जी. यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर ले. As theta is very very smaller, so A is closed to O. दोनों आपस में closed है. Theta is very very smaller. Point O and point A are closed with each other. This is 90 degree. Length is called L. Length is called L. And this is called X. तो यहां से sin theta बराबर है. Perpendicular या फ्रंट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाय एल. तो इस फिगर से साइन ऑफ थीटा पुट कर ले. एक्स डिवाइडेड बाय एल, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आल्सो दिस रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ नेट फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट ऑसिलेट फ्रॉम ए टू बी and then from B to A. Also from net force F net, this is equal to MA. This is called equation number 2. दोनों equation को compare कर ले. Comparing equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2. So net force is due to the restoring force. Values put कर ले. Net force क्या है? MA. Restoring force क्या है? Minus MG X divided by L. M cancel with the M. So A is equal to minus G by L into X. G is constant, L is constant, both are constant. Minus constant into X. So ये equality और constant जो है ये proportionality में convert कर ले. This is called equation number 3, जहां से हम time period मालूम करेंगे. तो ये equation किसका equation है? ये तो simple harmonic motion है. Thus, the motion of simple pendulum is simple harmonic motion in which acceleration is directly proportional to displacement and always toward the center. So, tab ye aapne proof kiya hai ki motion of the simple pendulum
is just like simple harmonic motion in which acceleration is directly proportional to displacement and always toward the center. This motion is called the simple harmonic motion. तो यहाँ पर इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो W sin थीटा कंपोनेंट है बेटा, ये वो कंपोनेंट है जो इन फ्रंट ऑफ थीटा हो। अगर इन फ्रंट ऑफ थीटा कंपोनेंट ले ले दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा, और अगर एडजसेंट कंपोनेंट ले ले दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ थीटा। तो लिहाजा यहां पर W sin थीटा रेस्टोरिंग फोर्स है, और ये रेस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड द सेंटर है, एंड ड्यू टू दिस रेस्टोरिंग फोर्स नेट फोर्स प्रोड्यूसेस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले, और जी और एल कॉन्स्टेंट है, तो इक्विलिटी और कॉन्स्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर ले। दस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। अब इसके दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक टाइम पीरियड है और एक फ्रीक्वेंसी है। किस तरह डिराइव करेंगे? नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक टाइम पीरियड है। कैरेक्टरिस्टिक या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इज फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू माइनस एक्स। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा स्क्वायर को आपने मास अटैच टू स्प्रिंग में कैलकुलेट किया है। किस तरह? ये सर्कुलर पाथ है, ए से लेकर वापस ए तक आपने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो एस इज इक्वल टू वी टी के बराबर है। लेकिन ए से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, 2πr के बराबर है, और वी लीनियर वेलोसिटी है, कन्वर्ट कर ले एंगुलर वेलोसिटी में, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ये ए से लेकर वापस ए तक ये जो टाइम ले रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां पर आर को आर के साथ कैंसिल कर ले, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय टी। तो यहां से ओमेगा के वैल्यूज को पुट कर ले, ओमेगा स्क्वायर सो माइनस 2π डिवाइडेड बाय टी होल स्क्वायर इनटू एक्स। तो स्क्वायर ले ले, किस तरह स्क्वायर ले लेंगे? ए इज इक्वल टू माइनस 2 × 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एक्स। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4π स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, इक्वेशन ए। लेकिन एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम में बराबर है, माइनस जी बाई एल इन टू एक्स। तो यहां पर लिखे फ्रॉम सिंपल पेंडुलम वी नो अबाउट द एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 3rd विच इज इक्वल टू माइनस जी एल इन टू एक्स। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन बी।
ये एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन से है, और ये एक्सेलरेशन स्पेसिफिक पेंडुलम से है। तो दोनों एक्सेलरेशन को कंपेयर कर ले एंड देन वन कैन डिराइव द टाइम पीरियड। किस तरह वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ या कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, comparing equation A and equation B, we get minus G by L into X minus 4 pi square T square X. So, यहां पर ये cancel कर ले, minus with the minus, X with the X. So G by L is equal to 4 pi square divided by T square. ये अरेंज कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, T square को यहां मल्टीप्लाई कर ले, T square G को यहां मल्टीप्लाई कर ले, 4 pi square divided by G, L को वहां मल्टीप्लाई कर ले, L square root ले ले, so T square square root, अरेंज कर लीजिए 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी स्क्वायर रूट। तो ये कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, टी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर का अंडर रूट पाई बाहर आ जाएगा, और रूट में एल डिवाइडेड बाय जी आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड of a simple pendulum, which is equal to 2 pi L divided by G. 2 pi is constant, L is called the length of simple pendulum, and G is called its the gravity. G is called the gravity. तो ये क्या है, ये time period है, simple harmonic motion में acceleration का definition और सिंपल पेंडुलम में एक्सेलरेशन का डिफिनीशन, दोनों आपस में कंपेयर कर ले और वहां से डिराइव कर ले टी इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी। यहां से हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी को भी डिराइव कर सकते हैं। वन कैन डिराइव द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस इक्वेशन, सेकंड वन, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का क्या डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड। अगर एक सेकेंड में ये दो ऑसिलेशन कवर्ड कर ले, तीन ऑसिलेशन कवर्ड कर ले, 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन कवर कर ले, 50 ऑसिलेशन कवर्ड कर ले, सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इट्स अ फ्रीक्वेंसी। एक और डिफिनेशन भी है, अगर टाइम पीरियड का रिसिप्रोकल ले ले देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। सो द रिसिप्रोकल डिफिनेशन ये है इसका, द रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। सो एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी, एफ इज इक्वल टू इसका रिसिप्रोकल ले ले, इनवर्स ले ले, तो 2 पाई है 1 बाई 2 पाई कर ले, एल बाई जी है जी बाई एल कर ले, रिसिप्रोकल इस इनवर्स को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। और इसको हम मेजर करते हैं, यूनिट्स क्या है, हां फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड इन अ साइकिल पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड, या इसको हम हर्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
हर्ट्स। अब यहां पर एक और स्मॉल डिफिनीशन भी है, सेकंड पेंडुलम का क्या डिफिनीशन है, डिफाइन सेकंड पेंडुलम। तो वो पेंडुलम जो एक ऑसिलेशन ए से बी तक और वापस बी से ए तक ये 2 सेकंड्स में कवर्ड कर ले, तो वो पेंडुलम जो है वो सेकंड पेंडुलम कहलाएगा। ये एक और नोट है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये लिख के हाउ वी डिफाइन अ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो एक ऐसा पेंडुलम जो एक चक्कर, जो एक ऑसिलेशन वो 2 सेकंड्स में कवर्ड कर ले, दैट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। ये अहम पॉइंट है, ये नोट कर ले, सेकंड पेंडुलम। पेंडुलम विच कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। मतलब जहां पर टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो, क्या हो, 2 सेकेंड्स, तो उस पेंडुलम को हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। अगर कोई ये सवाल कर ले कि सेकेंड पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज गिवन इज, फ्रीक्वेंसी इज गिवन इज 1/T, सो 1/2 सेकेंड्स, सो 0.5 पर सेकेंड, 0.5 हर्ट्स। तो ये पॉइंट नोट कर ले कि सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसके लिए टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्स हो। तो बेटा ये आपका टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। तो आपने ये शो किया कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज टूवर्ड द सेंट्रल पॉइंट। उसके लिए टाइम पीरियड को आपने डिराइव की है और साथ साथ उसके लिए फ्रिक्वेंसी, और लास्ट में एक और डिफिनीशन भी है जिसको हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, जो एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड्स में कवर्ड कर ले, तो वो पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम है और सेकेंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्स है। बेटा अगर इस टॉपिक में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल आ जाए, तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी। मेरे व्हाट्सएप नंबर वो आपके पास गेवन है, आपको दिया गया है, या आप डायरेक्टली यहां पर कमेंट्स में ये लिखे कि यहां पर ये प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।